कोलगवा थाना इलाके के नई बस्ती में उस वक्त सनसनी फैल गई जब बाहर से बंद एक मकान के अंदर युवती का शव मिला। युवती का शव जिस मकान से बरामद हुआ है उसे महज एक माह पहले महुआ बस्ती के एक युवक ने यह कहते हुए किराए से लिया था कि कॉलेज की परीक्षा की तैयारी करनी है। आशंका जताई जा रही है कि युवती का गला दबाकर हत्या की गई है। प्रमुख संदेही मकान में रहने वाले तीन युवक हैं जो करीब 7 दिन से गायब बताए जा रहे हैं। मौत की सही वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आएगी। बताया गया है कि शव की हालत बिगड़ चुकी थी, इससे उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। मौके पर पहुंचे CSP महेंद्र सिंह चौहान और थाना प्रभारी देवेंद्र प्रताप सिंह चौहान ने मोहल्ले वासियों से युवती के बारे में पूछताछ की, लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं मिली। हमें एक महिला की डेड बॉडी मिली है, क्या है पूरा मामला, क्या कार्रवाई? संदिग्ध परिस्थितियों में मकान के अंदर एक महिला का शव मिलने की सूचना मिली है। पुलिस मौके पर गई है, पोस्टमार्टम करा रहे हैं। संदिग्ध डेथ का मामला है, सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। एफएसएल टीम भी गई है, मैंने ही मौका देखा है। अभी शिनाख्त नहीं हुई है महिला की, और पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति स्पष्ट हुई किस प्रकार की बच्ची हुई है। तो यहाँ मेडिसिन भी वगैरह मिली है, तो हो सकता है कि दूसरे एंगल से हो। तो लगातार टीम लगी हुई है, सारे पहलुओं पर जाँच कर रहे हैं। चूँकि दुर्गंध आ रही थी बॉडी से, कई दिनों की बॉडी भी बताई, डिकम्पोज बॉडी है, मकान बंद था, डिकम्पोज बॉडी है। मेडिसिन भी मिली है, तो फॉरेंसिक भी जाँच करा रहे हैं।